भैया तो सनातन के में बता तो रहे हैं कि हम शूद्र श्रेणी में आते हैं भाई, तो अपमान तो करेंगे ना। लेकिन चिराग पासवान तो समर्थन कर रहे हैं। तो चिराग पासवान कुर्सी के लालच में कर रहे, तो चिराग पासवान हाथ में कभी एक धागा तक नहीं, एक टीका तक नहीं, लेकिन इनके माथा पे टीका, हाथ में पूरा कंगन, पता नहीं क्या क्या बहाना। चंदन टीका से आप लोग क्यों दिक्कत है इतना? आप लोग तिलक तराजू और तलवार यही सब तो धर के दिया है बिगाड़। जितने भी शिक्षित युवा हैं वो कभी चिराग पासवान का समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि चिराग पासवान उन लोगों के साथ है जो अंबेडकरवाद का विरोधी है, जो संविधान का विरोधी है, जो देश का संविधान को बदलना चाहता है, जो डेंगू है, जो मलेरिया है। तो गलत कहाँ बता रहा है, लोग सही तो बता रहा है। अरे लोगों के धर्म आस्था आप लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। हमारे साथ जब शोषण होता था उस समय इनका भगवान कहाँ था? और जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1949 में तो सारे भगवान भाग गए। अरे आप लोग तो हिंदू हैं ना? कहाँ हिंदू हैं भाई, हम दुसाध हैं। जहाँ हम हिंदू हैं तो और क्या है, मतलब हिंदू नहीं आप लोग? अरे हिंदू केवल चुनाव में होता है भाई साहब, और उसके बाद दलित पिछड़ा खतरे में आता है। सनातन धर्म को लेकर के INDIA की तरफ से लगातार बयान आ रहा है। कोई नेता डेंगू कह रहा है, तो कोई मलेरिया, तो कोई HIV तक कह दे रहा है। और यहाँ तक आपको पता होगा कि चिराग पासवान से जब सवाल किया गया कि सनातन पर लगातार हमले हो रहे हैं, तो चिराग पासवान का साफ तौर पर कहना था कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे चिराग पासवान। इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए समीर राज पासवान जी, हम इनसे बात करेंगे। क्या कहिएगा, चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा चिराग पासवान। देखिए चिराग पासवान जी का अपना खुद का स्टैंड है, लेकिन एक दलित समाज से आने के नाते हमें सनातन धर्म में शूद्र बताया गया है। तो भैया हम तो सनातन का करेंगे बार बार अपमान। क्यों? क्योंकि हमें शूद्र बताया गया है भाई। पेरियार ने कहा है कि जो धर्म तुम्हें नीच बताया उस धर्म को लात मारो, तो हमें जो नीच बताएगा हम लात तो मारेंगे ही। और बाकी जिसको अपना राजनीति वोट बैंक के लिए लगता है कि ब्राह्मणों का गुणगान करने से, सनातन का गुणगान करने से हम बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो ये सपना कभी साकार नहीं होगा। तो सनातन से क्या दिक्कत है, आप लोग बार बार सनातन का आप लोग अपमान करते हैं। अरे भैया तो सनातन के में बता तो रहे हैं कि हम शूद्र श्रेणी में आते हैं भाई, तो अपमान तो करेंगे ना। लेकिन चिराग पासवान तो समर्थन कर रहे हैं। तो चिराग पासवान कुर्सी के लालच में कर रहे, तो चिराग पासवान जाने अपना। चिराग पासवान असली दलित नेता है। देखिए वो रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत को डुबाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि रामविलास पासवान जी जो थे उनके जब भाई की मृत्यु हुई तो उन्होंने अपना सर का बाल तक नहीं बनवाया, उनके हाथ में कभी एक धागा तक नहीं, एक टीका तक नहीं, लेकिन इनके माथा पे टीका, हाथ में पूरा कंगन, पता नहीं क्या क्या बांध के रखते हैं। तो क्या दिक्कत है उसको चंदन टीका से, आप लोग क्यों दिक्कत है इतना? आप लोग तिलक तराजू और तलवार यही सब तो धर के दिया है बिगाड़। समाज को तोड़ने और बिगाड़ने का काम तो इन्होंने ही किया है ना। लोग तो कहते हैं कि चिराग भैया जिंदाबाद, इनके आपके पासवान समाज के जितने भी युवा है खास करके सब बोलते हैं। लेकिन हमारे वर्ग के जितने भी शिक्षित युवा हैं वो कभी चिराग पासवान का समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि चिराग पासवान उन लोगों के साथ है जो अंबेडकरवाद का विरोधी है, जो संविधान का विरोधी है, जो देश का संविधान को बदलना चाहता है, निजीकरण खत्म ला रहा है और हमारे आरक्षण को ख़त्म कर रहा है भाजपा सरकार। और आप उसके साथ जाइएगा तो हमारा समाज कहाँ से आपको साथ देगा भाई? कहाँ से बोला आरक्षण खत्म? मोहन भागवत तो बोल दिए कि आरक्षण नहीं खत्म हो, जब तक छुआछूत जब तक रहेगा तब तक आरक्षण रहेगा। अरे भैया आप जब आरक्षण तो रहेगा, लेकिन आप निजीकरण कर रहे हैं, तब आरक्षण कहाँ लागू होगा? उसमें कहाँ रोस्टर लागू है आरक्षण का? प्राइवेटाइजेशन में है, नहीं है ना, तो फिर कहाँ से आरक्षण बचेगा? हुआ कहाँ? हो रहा है, पहले से डरवा रहे लोग। ले भाई गया बिक गया है, गया रेलवे स्टेशन बिक गया, जहाँ मेरा 20 रुपये गाड़ी पार्किंग लगता था वहाँ हमको 50 भरना पड़ रहा है। पटना गया साल आते थे 20 रुपया लगता था, वहाँ हमको 50 रुपया देना पड़ रहा है। देखिए NDA वाले कह रहे हैं कि आप लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं, बरगला रहे हैं, आप लोग भ्रमित कर रहे हैं। देखिए NDA वाले रंगा बिल्ला की जो जोड़ी है ये देश को मतलब हिंदू मुसलमान में इतना लिप्त कर दिया है कि जनता को हिंदू मुसलमान के अलावा रोजगार स्वास्थ्य के मुद्दों को भूल चुकी है, ठीक है। तो और इसीलिए इंडिया गठबंधन ने देश के 14 एंकरों को भी बहिष्कृत करने का काम किया। तो आप लोग भी तो अपमान कर रहे हैं बार बार, सनातन धर्म का अपमान कर दे रहे हैं आप लोग। आपके नेता लगातार कोई डेंगू बता रहा है, कोई मलेरिया बता रहा है, कोई HIV तक बता दे रहा है। आप जो HIV है, जो डेंगू है, जो मलेरिया है, तो गलत कहाँ बता रहा है, लोग सही तो बता रहा है। अरे लोगों के धर्म आस्था आप लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। हमारे साथ जब शोषण होता था उस समय इनका भगवान कहाँ था? और जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1949 में तो सारे भगवान भाग गए। अरे आप लोग तो हिंदू हैं ना? कहाँ हिंदू हैं भाई, हम दुसाध हैं जाति के अनुसार। और ऐसे आने के लिए आप दुसाध हैं? दैत्य धर्म आपका हिंदू है। कौन कह दिया धर्म? साबित कर दे। हम कहे
देखिए बाबा साहब साबित कर दे, बहुत क्लियर कट में बोला है कि मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं मरूंगा तो हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है। और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। इसका मतलब क्या, आप भी हिंदू धर्म छोड़ दीजिएगा? बिल्कुल छोड़ना क्या, हम पकड़े ही नहीं है, छोड़ेंगे क्यों? देखिए हमारे हाथ में न कंगा है न टीका है। आप अपने मतलब हिंदू नहीं मानते? मैं किसी त्योहार को भी सेलिब्रेट नहीं करता। आप हिंदू है कि नहीं? नहीं, हम साबित कर नहीं। हाँ करिए, आप करिए ना भाई, हम बता रहे हैं। आप फॉर्म भरते हैं? हम फॉर्म भरवे नहीं करते। रिलीजन में क्या लिखते हैं, सच्ची सच्ची? हम कभी लिखवे नहीं किए हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है। अरे नहीं लिखे हैं भाई, हमको नौकरी की जरूरत नहीं। आप आसमान के लड़के हैं या जो भी दलित दुसाध के बेटे हैं या बेटियां हैं, अगर रिलीजन भरना होता तो क्या लिखते, हिंदू लिखते हैं कि दुसाध लिखते हैं? देखिए हमारा जाति हम बनवाए हैं जाके ब्लॉक में, तो ओकरा में हम दुसाध लिखते हैं, बस। रिलीजन में क्या लिखते हैं? रिलीजन हमारा कहीं जरूरत नहीं पड़ा, हम लिखवे नहीं। आपको नहीं पढ़ा है, आपके भाई को पढ़ेगा, वो क्या लिखेगा? का लिखेगा, वो तथा कथित मनुवादी के द्वारा बनाया हुआ है, तो लिखेगा हिंदू काहे? देखिए अब जहाँ पे इंसान मजबूर है वहाँ तो लिखेगा ही भाई, ना फिर हिंदू में लिखेगा। और फॉलो करना ठीक है, मतलब खाली आप लोग नाम के हिंदू हैं तो और क्या है, मतलब हिंदू नहीं आप लोग? अरे हिंदू केवल चुनाव में होता है भाई साहब, और उसके बाद दलित पिछड़ा खतरे में आता है, ठीक है। लेकिन ये बताइए, जिस तरीके से आप लोग लगातार सनातन का विरोध कर रहे, अपमान कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? 110% सही है, क्योंकि हमारे पुरखे भी वही लड़ाई लड़ रहे थे। मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, फिर यार ने भी कहा है। मतलब जय श्री राम से आप लोगों को दिक्कत है? जो काल्पनिक चीज़ें उनसे तो दिक्कत होगी ना। 1967 में 5 ब्राह्मणों का बेंच बना था, उसमें ललई सिंह यादव ने क्लियर कह दिया कि रामायण काल्पनिक ग्रंथ है, साबित किया जजमेंट के साथ। तो फिर काहे कर रामायण पासवान तो समर्थन दे दिए, अब क्या करिएगा आप लोग? चिराग पासवान तो फिर से चुनाव जितने जा रहा है दावा ठोक दिए हैं। अब कोई अपना कुर्सी के लालच में कहीं भी कुछ भी करवा ले तो हम उसका क्या करिएगा? समाज के दलाल को समाज वोट के बेचने का काम है, चाहे कोई भी हो। यही देखिए जीतन जी कहते थे कि सत्यनारायण झूठ नारायण और भगवान के ये सब कुछ नहीं है, सब काल्पनिक है। अभी वोट का समय आ गया, उनको अगर सांसद गवर्नर बनना हो, बोले कि जय श्री राम बोलो तो वो भी बोल देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? चलिए तो इनका साफ तौर पर कहना है कि सब वोट की राजनीति है, अगर इन लोगों को अगर जय श्री राम कहने के लिए कहा जाए तो भी ये लोग बोल देंगे। तो इस पर आपके क्या प्रतिक्रिया है कुमार? तो मुझे जवाब जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।